साड़ी में फॉल लगाने के लिए हमें सबसे पहले साड़ी के कोने से एक ब्लैंक से थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ देना है। फिर यहाँ से हम अपनी फॉल को लगा के देखेंगे कि ये कहाँ तक खोली है। तो जैसे मैंने इधर से हम शुरू में इसको थोड़ा सा मोड़ लेंगे, फिर हमें इसको लगा के देखेंगे यहाँ से, और इसको पूरा नापते जाएंगे कोने तक कि ये कहाँ तक पहुँच रही है। मतलब हम जब इसको मशीन से लगाएंगे तो हमको एक जगह पर निशान लगा लेना चाहिए कि ये यहाँ तक पहुँच रही है। हाथ से लगाते हुए तो आराम से पता लग जाता है, लेकिन मशीन से जब हम लगाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि खिंचाव पड़ जाता है या ढीली लग जाती है, तो फिर लगता है जहाँ पर हम पहुँचनी चाहिए। मतलब अगर आपने निशान लगा रखा है तो आपको पता लग जाएगा कि इसको यहाँ तक पहुँचना चाहिए था। तो जैसे मैंने निशान लगा लिया, या आप इसको यहाँ पर किसी पिन से भी रोक सकते हैं, ठीक है। ऐसे करने के बाद फिर आपको अब शुरू से जो है इसके जो नंबर है उसको आप बड़ा कर लीजिए, 5 पे कर लीजिए, और छोटे में भी कर सकते हैं लेकिन 5 पे कर लीजिए, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आप अपने धागे को सेट करके ऐसे फॉल को ऊपर की साइड रख के, और आप ऐसे धीरे धीरे उस पर सिलाई कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी इससे हमारी सिलाई हो जाती है, और ये नीचे की साइड होती है तो ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं आती है। और जब ये कोने पे पहुंच जाए तो इसको आप साइड से मोड़ लीजिए। तो मतलब जैसे हम बहुत देर बैठ के ऊपर नीचे से कच्चा करके या जैसे भी करके फॉल लगाते हैं, उससे अच्छा है कि आप मशीन से लगाइए, और इससे फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो ऐसे ही अपने समय को बचा लेना चाहिए और नए नए काम करने चाहिए।